मढ़ौरा में 40 लाख रुपए लूटकांड में आरोपी के घर छापेमारी के बाद आरोपी के मां और बहन की आत्महत्या। जी हां, भेलदी थाना क्षेत्र के खरीदाहा गांव में लूटकांड के आरोपी के घर पुलिस ने छापेमारी की है, जिसके बाद दो महिला परिजनों ने आत्महत्या कर ली है। बुधवार की सुबह सनसनीखेज मामला सामने आते ही जिला के पुलिस के आला अधिकारियों व अन्य जांच एजेंसी ने भी पहुंच मामले की जांच की है। वहीं पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया। मृत परिजनों में आरोपी खरीदाहा गांव निवासी सोनू पांडे की मां संजू देवी और बहन रूपा कुमारी के नाम से शामिल है। बताया जा रहा है कि 40 लाख रुपए के लूटकांड का आरोपी भेलदी थाना क्षेत्र के खरीदाहा गांव का चंदेश्वर पांडे का पुत्र सोनू पांडे है, जिसको लेकर पुलिस ने रात में सोनू पांडे के घर में छापेमारी कर लगभग 6.5 लाख रुपए की बरामदगी की, जबकि सोनू पांडे पुलिस गिरफ्त में नहीं आ पाया है। जबकि रुपए बरामदगी व सोनू पांडे से संबंधित जानकारी पुलिस कुछ भी नहीं बता रही है। उक्त घटना के बाद आरोपी की मां और बहन ने आत्महत्या कर ली है। इसकी जानकारी गांव समेत आसपास के क्षेत्रों में आग की तरह फैल गई है। मामले की जानकारी आला अधिकारियों को होने पर गांव में पुलिस का जमावड़ा लगने लगा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच को दे रही है गति। बता दें कि बीते सोमवार को मढ़ौरा थाना क्षेत्र के इसरौली पेट्रोल पंप से नजदीक पटेढ़ी में हथियारों से लैंस बाइक सवार अपराधियों ने एक एटीएम फ्रेंचाइजी कर्मी से 40,25,000 की राशि लूटकर फरार हो गए थे। इसी के जांच क्रम में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। छपरा से न्यूज फॉर बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लूट हुआ था पैसा का, इसी सिलसिले में कर्मी गिरफ्तारी हुई, उसमें कुछ हथियार और कुछ पैसा बरामद हुआ। उन्हीं की जो गिरफ्तार हुए, उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने अनाथांगा प्रवेश में आकर आत्महत्या कर ली। वीडियो का बरामद हुआ और उसको क्या करवाई होगी? नियम संगत कार्रवाई होगी। सोसाइटी बरामद हुआ, वो बरामद हुआ शाम को है। सुसाइड नोट के बारे में? जी, सुसाइड नोट बरामद हुआ है। हम लोग देख रहे हैं, उसकी सत्यता की जांच करेंगे।